गौरव का क्षण इसलिए है कि एक नहीं हम तीन तीन प्रतिभाओं का सम्मान कर रहे हैं। सबसे पहले अर्पित, जिन्होंने नेशनल लेवल पर ताइक्वांडो में अपनी 8 वर्ष की उम्र में ही पैर में वो चाहने के बावजूद उसने अपना सिल्वर पदक जीतकर हिंडौन का नाम रोशन किया। दूसरे नंबर पर ताइक्वांडो के जो कोच हैं रामप्रीत जी, इनके इंस्टीट्यूट का उद्घाटन भी मैंने किया था, इन्होंने खोला था और मेरे लिए हर्ष की विषय है कि मेरे ही भतीजे को इन्होंने अपना ट्रेन कर दिया जो नेशनल खेल के आया, और हम सब की उसको दुआएं हैं कि वो किसी ना किसी दिन जब अपनी उम्र पे आए तो ओलंपिक जरूर खेले। क्या बात है। और हिंडौन की जो बहुत बड़ी हस्ती अपन मान के चले भाई गजानंद जी ने, भारतीय जो क्रिकेट है उसकी सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था है BCCI, उसके पैनल में सेलेक्ट होकर और अभी हाल ही कुछ दिन पहले जयपुर में रणजी में इन्होंने एम्पायरिंग की, और हम सबों की ईश्वर से कामना है कि हिंडौन का इतना नाम रोशन करे कि जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत में हो उसमें ये कमेंट से आराध्य देव हरदेव जी से प्रार्थना करता हूँ। साथ ही सभी लोगों की ओर से इन सभी प्रतिभावानों को ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि इनकी जो इनकी सर्वोच्च जो इनके खेल में इनके जो विजन में है वहाँ पर ये पहुँचे, ऐसी भावनाओं के साथ जय हिंद जय भारत।